हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजगीर में हूँ। मैं भी बोध गया से करीब 9 बजे निकला था, बट ट्रैफिक और एक वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। चलते हैं और देखते हैं शांति स्तूपा और जो भी यहाँ पे राजगीर में घूमने लायक प्लेसेस है उसको विजिट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आज का डे यही राजगीर में तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। आज संडे भी है तो लोकल टूरिस्ट भी बहुत हैं यहाँ पे। पहले मैं चलूँगा रोप वे पे जो वो मुझे शांति स्तूपा के पास ले जाएगा। उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद डिसाइड करूँगा, पहले फर्स्ट मैं शांति स्तूपा विजिट करूँगा, उसके बाद कुछ डिसाइड किया जाएगा। तो अभी मैं वो तो बहुत बड़ा लाइन है। ये तो बहुत बड़ा लाइन है अभी रोपवे के लिए, बहुत बड़ा। तो मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और यहाँ पे रोपवे के लिए इतना बहुत बड़ा लाइन है। आज संडे है इसलिए इतना भीड़ भी है यहाँ पे। सो अभी मैं पहले मुझे शायद बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, पहले आया था तो ऐसा नहीं था। अभी मुझे टोकन लेना पड़ेगा ये राजगीर झूला के लिए जो शांति स्तूपा तक मुझे पहुँचाएगा। वो पता नहीं अभी क्या सिस्टम है, जाकर चेक करता हूँ मैं। पहले लाइन तो बहुत बड़ा है भाई। पहले काउंटर राइट साइड था बट अभी काउंटर चेंज हो गया है। ये माय मैन इसका रोपवे का, तो मुझे अभी जाकर वहाँ से लेना पड़ेगा। सो अभी मैं जाकर टिकट के लिए चलता हूँ। अभी वन साइड का टिकट दीजिए, दो वन साइड का नहीं मिलेगा, बोथ साइड का मिलेगा दीजिए, दो ये मुझे एक टिकट 80 रुपीज़ का पड़ा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बोथ साइड है, गो एंड बैक। चलते हैं, अभी लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत बड़ा कतार है। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुँचे हैं। 40 मिनट सुपर हो चुका है। इससे पहले लाइन में लगा था जब मैं मॉर्निंग में आया था, भीड़ रहने के कारण मैं चला गया था घोड़ा कटोरा के वापस आने के बाद फिर भी लाइन उतना ही लंबा। अभी 40 मिनट के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, पहली बार इतना वेट करना पड़ रहा है। फाइनली मैं झूला पर बैठ गया हूँ। ये झूला बहुत पुराना है, ये नया वाला झूला देखिए उधर रेडी हो रहा है। नया वाला झूला में तो झूला कम है मगर हाइट अच्छा है और थोड़ा मॉडर्न है, दिख रहा है आपको। देखिए धीरे धीरे, ज़्यादा स्पीड नहीं है, नॉर्मल स्पीड से चल रही है ये। तो अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे सामने है बगल में आपका ये नया वाला जो रोपवे है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अभी आई मीन लगा हुआ है बिहार टूरिज्म की तरफ से ही है। जिम का लोगो भी दिया है इसमें, कब तक ओपन होता है कब तक चालू होता है। नॉर्मल स्पीड है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है मगर ठीक है। चढ़ने से अच्छा आराम से बैठ के जाइए ऊपर और शांति स्तूपा का
आनंद लीजिए, देखिए, दर्शन कीजिए कैसा है। यहाँ थोड़ा सा खाइए, इनके बीच में हाइट है अच्छा खासा, सिर्फ यहाँ पे, अदरवाइज उतना हाइट नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मैं अपना ब्लॉग में, ये मेरा पहला वीडियो है झूला का, आई मीन रोपवे का, बैक में दिखाएंगे तो कुछ ऐसा है। दिख रहा है आपको, जो नया झूला है आई मीन रोपवे, वो हाइट भी बहुत अच्छा है उसे, उसका ऊपर है बहुत, और चारों तरफ से कवर है, ये ओपन है, उसमें बारिश भी अगर होगी तो पड़ सकता है, बट इसमें उसमें नहीं, ये तो ओपन सा है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है बारिश में, बट चारों तरफ से पैक ही है। हल्का हल्का जर्किंग फील होता है, बट डरने का कोई बात नहीं है, बहुत पुराना झूला है और मेंटेनेंस भी अच्छा होता है इसका। अभी देखिए कितना भीड़ चल रहा है, चलिए अभी से ऊपर पहुंच गया हूँ, चलते हैं आगे। फाइनली अभी मैं ऊपर पहुंच गया हूँ शांति स्तूपा के पास, और चलते हैं और अंदर का एक स्तूपा का राउंड लेते हैं। ये पीस पोगदा है, शांति स्तूपा भी बोलते हैं इसे, ये हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्बिंग हुआ था परमाणु बम, उसके याद में दुनिया में 80 शांति स्तूपा बनवाया गया था, पीस पोगदा, जो जापनीज पीपल्स के द्वारा बनाया गया था ये। तो अभी चलेंगे अंदर और एक शांति स्तूपा का राउंड लेंगे, जिसमें से 80 पूरा दुनिया में बना है, जिसमें से एक राजगीर में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का स्तूपा है, तो बहुत प्यारा दिखता है। तो अभी चलते हैं, एक स्तूपा का राउंड अंदर से लेते हैं कैसा है, देखते हैं, और पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ तो अभी चल के अंदर देखते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग को, ये है जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था उसके याद में बनाया गया है। जो शांति स्तूपा देख रहे हैं, ये दुनिया में 80 स्तूपा है, जिसमें से एक यहाँ जो राजगीर में है, बहुत मतलब ये जापानीज पीपल्स के द्वारा बनाया गया है। ये दो राउंड सर्कल है, एक अप एक डाउन है, एक अप है, अप दोनों पे राउंड सर्कल लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत प्यारा है। आगे साइड भी बुद्ध का स्टैचू है, चारों साइड आई मीन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में स्टैचू अलग अलग मुद्राएं में लगे हुए हैं। अगर आप जनवरी के मौसम में आएंगे यहाँ विजिट करने तो और भी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फॉगी फॉगी जैसा फील और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। देखिए यहाँ पे बुद्धा का, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं आपको क्लोज से दिखाऊँगा। इंडियन टूरिस्ट बहुत है अभी कोरोना की वजह से, फॉरनर टूरिस्ट नहीं है, बट अगर जनवरी फरवरी में, जनवरी
फरवरी नहीं, जनवरी, फरवरी में भी थोड़ा बहुत होता है बट अभी नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना। अगर जनवरी और फरवरी में मान लीजिए कुछ अगले साल जब आइएगा विजिट करने के लिए, जब नॉर्मल हो जाएगा सारा चीज़, फ्लाइट चालू हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट मिल जाएंगे आपको, एशियन और वेस्टर्न पीपल्स। अभी चलते हैं ऊपर, ये कैंडल और अगरबत्ती लगाने के लिए, जलाने के लिए। ये बुद्धा का प्रतिमा, पीछे जापनीज फॉन्ट में कुछ लिखा हुआ है। बहुत थक गया ब्रो, इतना लाइन में खड़ा रहना पड़ा बहुत देर तक, 1.5 घंटा, तो थकान हो गया पूरा, और प्लस में घोड़ा कटोरा भी गया, उधर में भी टाइम लग गया बहुत। ये सेकंड मुद्रा बुद्धा का, सारे एंगल में डिफरेंट मुद्राएं हैं, मैं का स्टेचू लगा हुआ बुद्धा, शांति स्तूपा, पीस पोगदा में। स्लीप मुद्रा में है बुद्ध का स्टैचू। यहाँ से ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा, यहाँ पे ये स्टैचू जो लुम्बिनी, लुम्बिनी में जो स्टैचू है वो ये स्टैचू है, यानी कि बोधिसत्व का, सिद्धार्थ था जब बर्थ के बाद। तो अभी चलते हैं नीचे, बगल में एक जापनीज टेम्पल भी है, उसे विजिट करते हैं, और भी नीचे कुछ जो भी चीज़ है उसे एक्सप्लोर करते हैं। घूमते हैं, वैसे तो थक तो गया हूँ बहुत मैं, राजगीर टूर। अभी हम लोग चल रहे हैं शांति स्तूपा के बगल में, पीस पौधा के बगल में ही जापनीज टेम्पल है, उसे भी विजिट कर ही लेते हैं, आपको दर्शन करवा देते हैं, दिखाते हैं। ये भी जापनीज में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है जो मुझे पता नहीं, बट बहुत प्यारा लग रहा था फॉन्ट, बहुत बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट। पे बना हुआ है राजगीर का, राजगीर के पहाड़ के पीक पे ऊपर। मंदिर बहुत नॉर्मल, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है इसलिए दिखा नहीं सकते। Thank you.
के बगल में जो आस पास में बना हुआ स्टैचू या स्तूपा छोटे छोटे हैं उसे विजिट करते हैं। अभी मैं बुद्धा कुटी की तरफ जा रहा हूँ, राजगीर स्तूपा घूम लिया। अभी मैं यहाँ से नीचे रोपवे से ना जाकर मुझे बुद्धा कुटी विजिट करना था और आनंदा कुटी भी विजिट करना था, इसलिए मैं सीढ़ियों से चल के आया। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। एकदम सुनसान है, इधर भीड़ नहीं है, एकदम बुद्धिस्ट पीपल ही लोग इधर ज़्यादा आते हैं, यानी फॉरेनर्स जो एशियन कंट्री के बुद्धिस्ट लोग हैं वही लोग ये प्लेस को विजिट करते हैं। अधिकतर जो इंडियंस टूरिस्ट है उन्हें वो बस शांति स्तूपा विजिट करते हैं और जो जापानीज टेंपल है ऊपर में वो विजिट करते हैं एंड रोप वे। बट ये बुद्धिस्ट लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है। ये कैफ है आनंद का, जो बुद्धा का बहुत क्लोज शिष्य थे, डिसाइपल थे, ये उनका प्लेस है। ये है बुद्धा कुटी, ये कोरोना की वजह से टूरिस्ट नहीं है, नहीं तो अभी आने से भी इस टाइम टूरिस्ट आपको मिलता, बट अभी टूरिस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना। एक क्लोज व्यू देते हैं आपको, मैं शूज उतार लेता हूँ। ये है बुद्धा कुटी, एक राउंड तो नॉर्मली लगा ही लेना चाहिए। हॉली प्लेस है बुद्धिस्ट लोग का एंड बुद्धा का जो भी फ्लावर्स हैं उनका। यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा।